हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा, जिसे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। पहले तो आपको कुछ मानना होगा, जैसे कि N2 नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो 2 नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन घटते हैं, तो हम बॉन्ड ऑर्डर घटाएंगे। दोनों तरफ से या बढ़ेंगे या घटाएंगे, हम बॉन्ड ऑर्डर हमेशा घटाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 9 हो गए, तो वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। जैसे 9 हो गए, 10 में से 1 घट गया, तो 0.5 हमने घटा दिया बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 हो गया। या फिर 10 में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 11 हो गया, तो भी बॉन्ड ऑर्डर हमने घटा दिया, 2.5। या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए मतलब 12 हो गए, तो हमने 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 0.5 हो गया, तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 हो गया, तो 1 मतलब हमने 3 में से 1 घटा दिया, तो 2 बचे, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। या फिर इधर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दिए, वो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दिए मतलब 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भी 8 मतलब 2 घटाए तो 0.5 0.5 1, तो 1 3 में से 1 मतलब इसमें भी 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 10 में 3 बढ़ा दिए, तब भी हम घटाएंगे 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 0.5 0.5 0.5 मतलब 1.5 1.5 5 मतलब 3.0 में से 1.5 निकाला, तो 1.5 होगा। चाहे आप इसमें से 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें, तो इसमें से 3 बैलेंस निकाले गए हैं, तो 1.5 घटाए गए हैं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। इधर आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 12 हो गया, 12 मतलब 10 में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बैलेंस 0.5 0.5 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, 3 में से 1 निकाल गया तो 2 बचा, बाउंड ऑर्डर इसका 2 हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं कि C2 मतलब कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 4 4 8 हो गया, इसमें 2 बढ़ा है और इसमें 2 घटा है। चाहे घटे या बढ़े, दोनों तरफ से हम बाउंड ऑर्डर घटाएंगे ही, और एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 0.5 बाउंड ऑर्डर हो गया, तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो हम 3 में से 1 निकाले, फिर इसका भी 2 हो गया। चाहे आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो ऑक्सीजन में 1 ऐड किया गया है, तो इस एक का बॉन्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, और एक ऐड किया गया है, तो एक ही इसका बढ़ा और एक 6 ही रहा, तो उसका 13 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 13 मतलब 0.5 0.5 0.5 1.5 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1.5 हमको घटाना होगा 3 में से, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। ऐसे ही आप नीचे के एग्जांपल भी देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी, और प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितने ज़्यादा होगा उतने कम बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितने कम होगा उतने ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। अब इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, तो 6 से 2 बढ़ गया तो 8 हो गए, प्लस 6 14 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं मतलब 0.5 × 4 मतलब 2 हो गए, तो हमने 3 में से 2 निकाल दिए, बाउंड ऑर्डर इसका 1 हो गया। अब इधर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, तो 7 ही हमने लिया और 6 ही इसको रखा, 13 हो गए, 1.5 हमने उसमें से घटाया, फिर 1 पॉइंट इधर बचे। ऐसे आप नीचे के भी एग्जांपल देख सकते हैं।